कुछ ऐसे सिग्नल्स जो आपको बताएंगे कि लड़की आपके साथ एक्चुअली इंटिमेसी में जाना चाहती है, वो एक स्टेप आगे लेना चाहती है। कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं, जहाँ आपको समझ में आता है कि लड़की आपका हाथ पकड़ना चाह रही है, आपके साथ इंटिमेट होना चाह रही है। अगर आप ये सिग्नल्स छोड़ रहे हैं या इनको नहीं देख रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। बहुत बार लड़कियां खुल के खुद से नहीं बोलती क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये मेल टेक होना चाहिए, उसे आगे आकर बात करनी चाहिए। लेकिन लड़कियों के सिग्नल आपने छोड़ने नहीं है, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि मेरे पास पार्टनर भी था लेकिन मैंने सही समय से नहीं किया। और बहुत लोगों के साथ धोखा भी हो जाता है कि वो किसी और के साथ मूव ऑन कर लेती हैं। तो कौन से सिग्नल है, टाइम से समझेंगे, टाइम से उस लिंक को पकड़ेंगे ताकि आपकी पर्सनल, सेक्सुअल और परफॉर्मेंस लाइफ बेटर हो। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्नल ऑफ लुकिंग टू योर फेस। अगर एक लड़की बार बार आपकी आंखों अपने होठों की तरफ देख रही है या आपके शोल्डर्स की तरफ बार बार देख रही है, दैट गिव्स अ साइन दैट शी इज इंटरेस्टेड एंड शी वांट्स टू गो इंटीमेट विद यू। मोरओवर कुछ लड़कियां अपने नेल्स या हाथों से आपके बॉडी को टच करती हैं या बार बार एक पर्टिकुलर सिग्नल्स के साथ इन्वॉल्व करती हैं, तो समझ लीजिए शी इज वेरी मच इन्वेस्टेड एंड शी वॉन्ट्स दैट विद यू। हो सकता है वो आपको अप्रिशिएट भी करे या आपके पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को काफी ज्यादा हाइप करे। इट माइट बी यू हैव गुड एब्स, यू हैव गुड पेल्विक एरिया, या आपकी बैक बहुत अच्छी है, या आपके अभी ये शर्ट जब आप पहनते हो तो आपका ये चीज बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह की अगर एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं अपनी बॉडी से रिलेटेड आ रही है तो समझ लीजिए दैट शी इज समवेयर रेडी टू बी इंटीमेट। दूसरा, हो सकता है वो लड़कियां आपसे धीरे धीरे सेक्स की बात करने लगे हैं या अपने पार्टनर के किसी इवेंट को लेकर या किसी जोक को लेकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पिच करे कि ऐसे उसने बोला, उसका ये मतलब था, वो ऐसे गए थे, उन्होंने ऐसे किया। तो अगर इस तरह की इंटीमेसी आपकी डेवलप हो गई है जहां आप अपनी पर्सनल, वेरी पर्सनल बातें भी शेयर कर रहे हैं, देन योर पार्टनर इज रेडी टू गेट इंटीमेट। तीसरा सिग्नल हो सकता है कि वो आपको हाउस पार्टी के लिए इन्वाइट करे, वो आपको बोले कि फ्लैट पर कोई नहीं है, आप आ जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, लेट्स मीट अप, लेट्स कैच फॉर अ पार्टी, यू कैन कम टू माई प्लेस। अगर इस तरह के कोई ना कोई मे बी आपको वर्बल्स मिल रहे हैं या इस तरह के इन्विटेशन आपको मिल रहे हैं तो आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब मे बी आप कहीं भी बिजी हो पर इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है दैट शी वॉन्ट्स टू बी इंटीमेट, शी वॉन्ट्स टू कम क्लोजर टू यू, या उसे लगता है कि शायद एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और रिलेशनशिप की शुरुआत है। इसके अलावा अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपका पार्टनर आपको रेगुलरली सेक्सटिंग कर रहा है, सेक्स चैट्स आपके शुरू हो गए हैं, वो भी सिग्नल करता है कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हो सकता है और वो सही डायरेक्शन में जाएगा। सो सेक्सटिंग, सेक्स टॉक्स, मीटिंग टुगेदर, होल्डिंग हैंड्स, आपके बॉडी ऑर्गन्स को ज्यादा देखना या उस पर हाथ फेरना भी सिग्नल्स हैं दैट योर पार्टनर इज रेडी। अगर आप इन सिग्नल्स को मिस कर रहे हैं तो आज से ही पकड़ें और अपनी सेक्शुअल लाइफ में एक्टिव हो जाएं। और ऐसी क्वेरीज के लिए और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें और अपने क्वेश्चंस को आप यहाँ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं ताकि हम काफी सारी वीडियोस लेकर आपसे मिलते रहें।